अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द चिनाब टाइम। और इस टाइम की बात करें हम तो हम एक डिस्ट्रिक्ट डोडा के तहसील फक्सू में पंचायत फक्सू भी में मौजूद हैं। और ये स्कूल आप देख रहे हैं, ये हमारा प्राइमरी स्कूल खजर महला है। और ये देखिए, बारिश की वजह से हमारा ये जो स्कूल है इसकी बहुत बुरी हालात हो चुकी हैं। और हम यहाँ बात करेंगे इन यहाँ पर जुड़े हुए लोगों से, क्या कहना है इनके स्कूल के बारे में। अब हम बात करेंगे यहाँ के हमारे जो वार्ड मेंबर असगर साहब हैं, इनसे थोड़ा पूछताछ करेंगे स्कूल के बारे में, क्या कहना है इनके स्कूल के बारे में। थोड़ा पूछते हैं जनाब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं वार्ड मेंबर पंचायत फक्सू बी, वार्ड नंबर 3, खानपुरा बी, खजर महला का हूँ। ओके। मैं स्कूल के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि भारी बारिशों की वजह से स्कूल का काफ़ी नुकसान हुआ है जी, क्योंकि स्कूल गिर चुका है, पूरी तरह से खस्ताहाल हो चुका है जी, बिल्कुल। इसलिए हम एडमिनिस्ट्रेशन को और गवर्नमेंट्स को ये मीडिया के ज़रिए ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि हमारी जो रोड भी बंद है, 5/6 दिन से हमारी रोड जो बंद पड़ी है, बिल्कुल काफ़ी मुश्किलात हो रही है, लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए हम एडमिनिस्ट्रेशन को ये मीडिया के ज़रिए से पैगाम भेजना चाहते हैं, बिल्कुल नीचे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी मुश्किलात का हल किया जाए, बिल्कुल। और मीडिया का हम शुक्रिया अदा करते हैं जो कि हमारी मदद कर रही है इस वक्त। इसलिए हम गवर्नमेंट से और एडमिनिस्ट्रेशन को ये मैसेज देते हैं कि लोगों की मुश्किलात का हल किया जाए, शुक्रिया। और ये जो यहाँ पे बारिश की वजह से आपको कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पे, मतलब बारिश की वजह से कैसी तबाही वगैरह कुछ यहाँ पे? बारिश की वजह से बड़ा नुकसान हो गया, लोगों का भी बहुत नुकसान हो गया, ज़मीनों का नुकसान हो गया। और स्कूल जो हमारा देखा जा रहा है, वीडियो बन रही है, फोटोग्राफ्स उठाए जा रहे हैं, उस स्कूल पूरी तरह से खस्ताहाल हो चुका है, डैमेज हो चुका है। और रोड भी 5-6 दिन से बंद है, लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और ज़मीनों का भी काफ़ी नुकसान हो गया, जो कि मकानों का भी क्रेक हो चुके हैं, लोगों के मकान भी क्रेक हो चुके हैं, काफ़ी मुश्किलात हो रही है। 5-6 दिन से बारिश लगातार हो रही है, लोग मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। और ये जो रोड का काम लगा हुआ है, ये यहाँ पे रोड का काम चालू है कि बंद है इस टाइम? आज तो बंद है, रोड का काम बंद है, इसीलिए लोगों को मुश्किलात हो रही है। इसका मतलब लोगों को बहुत मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। तो आपकी क्या रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से और गवर्नमेंट से? हम एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करते हैं कि लोगों के मुश्किलात का हल किया जाए, बिल्कुल, जो कि रोड की वजह से ज़्यादा रोड की वजह से मुश्किलात हो रही है, जो कि जगह जगह पे 5-6 दिन से रोड बंद है, जो कि लोग पैदल आते जाते हैं, मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, शुक्रिया जनाब आपका बहुत बहुत द जनाब टाइम में। जी अजगर साहब, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, ये जो बारिश की वजह से रोड की खस्ता हालात है, क्या आप हमें ये थोड़ा अपने कैमरे में नोट करवा सकते हैं? जी सर। जी थोड़ा दिखा दीजिए, आपकी मेहरबानी। ये देखिए जी, ये हमारी रोड है जो कि ठाठरी से काठावा जा रही है, और यहाँ की रोड जो है इसकी बहुत खस्ता हालत है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। ये देखिए जी, आप देख रहे हैं, देख सकते हैं आप क्या रोड की खस्ता हालत है, इसकी वजह से लोगों को बहुत दिक्कत परेशानी उठानी पड़ रही है। तो अब हम बात करेंगे असगर साहब से, और ये जो बाकी हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, इनसे थोड़ी हम पूछताछ करेंगे कि इनका क्या कहना है इस रोड के बारे में। जी असगर साहब, थोड़ा हमें बताइए कि ये जो रोड की खस्ता हालात है, इसको मतलब आप एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट वगैरह, ये जो PMGSY डिपार्टमेंट हैं, इनसे क्या अपील है आपकी? जी सर, मैं पहले मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो कि हमारा साथ दे रही है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि रोड की खस्ताहाली 5/6 दिन से जो हम मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, जो कि लोग पैदल का चल रहे हैं, जो कि ठाठरी से भंडोगा, खानपुरा, काठावा, जो कि बड़ी, ये जो हम मौजूद हैं, किस इलाके में हम इस टाइम मौजूद हैं? भंडोगा इलाका है जी, बताइए। आपका ही मतलब आपका ही वार्ड है? जी जी जी, मेरा ही वार्ड है। मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, जो कि कोई डिपार्टमेंट कोई कुछ नहीं कर रहा है, जो कि 5-6 दिन से रोड बंद है, लोग पैदल चल रहे हैं, गाड़ी कोई नहीं चल रही है, गाड़ी कोई नहीं चल रही है, रोड की हालत जो है खस्ताहाल हो रही है। तो शुक्रिया है, हम आप करते हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे चुनाव टाइम में बहुत बहुत साथ दिया। ओके, शुक्रिया।